हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे बीसीजी ग्रुप के बारे में, ब्राइट कॉम ग्रुप के बारे में, जिसके ऊपर पहले भी काफ़ी वीडियोज बनाई थी और बताया था कि स्टॉक जो है ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो स्टॉक जो है रेजिस्ट होते हुए नजर आएगा और नीचे सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। तो नीचे की जो सपोर्ट लाइन्स है वो हमने हमेशा से ड्रॉ करके रखी थी कि हमेशा हमें पता होना चाहिए कि स्टॉक अगर एक सपोर्ट को तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट उसका कहाँ पर निकल कर आता है, क्योंकि जो नेक्स्ट सपोर्ट होता है वो काफ़ी मेन हो जाता है उसके लिए। और ऊपर की लाइन जो जो सपोर्ट पहले कर रही थी वो एक रेजिस्टेंस लाइन की तरह काम करती है। तो आप देखेंगे ये स्टॉक जो है इसकी जो सबसे नीचे की लाइन है ये सपोर्ट लाइन की तरह काम करती है। आप देखिए काफ़ी बार इसके ऊपर इसने सपोर्ट लिया है। और सेकंड जो लाइन देखेंगे यहाँ पर, ये जो स्टॉक था यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया। अगेन जब स्टॉक ने इसे क्रॉस किया तो यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर देखिए थर्ड लाइन जो है ये इसके रेजिस्टेंस की तरह पहले काम कर रही थी और यहाँ पर देखिए फोर्थ लाइन जो है यहाँ पर भी स्टॉक ने काफ़ी बार एक्ट किया है। ऊपर की जो सबसे ऊपर की लाइन है यहाँ पर हमने बताया था कि स्टॉक बार बार रेजिस्ट कर रहा है और इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो स्टॉक यहाँ से वीक होता हुआ नजर आएगा। डेली चार्ट के ऊपर देखें RSI जो है 38.74 की है, जो कि वीक चार्ट स्ट्रक्चर को शो कर रही है। अभी इन लाइन्स को अगर हम फर्दर एक्सटेंड करें तो आप देखेंगे स्टॉक ने पहले इस लाइन को ब्रेक किया, यहाँ पर देखिए इसने सपोर्ट यहाँ पर भी लिया था और यहाँ पर देखिए इस लाइन को जब ब्रेक किया तो नेक्स्ट सपोर्ट हमने बताया था कि यहाँ पर निकल कर आ सकता है। यहाँ पर स्टॉक ने काफ़ी बार एक्ट किया है बट इस लाइन को भी इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अब सपोर्ट जो नेक्स्ट बनकर आता है वो इस लेवल के ऊपर बनकर आता है। अभी स्टॉक ने जो है 75.85 के आसपास का जो है लेवल दिखाया है। अगर हम इसे देखें स्टॉक ने बिल्कुल इसके आसपास ही क्लोजिंग दी है। अगर क्लोजिंग इसके नीचे देना स्टार्ट करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो स्टॉक का जो नेक्स्ट सपोर्ट जो बनकर आता है तो यहाँ पर बनकर आता है, क्योंकि लेवल बनता है 65-66 के आसपास का। तो बिल्कुल आपको इसके ऊपर नज़र रखनी है। 2 आवर्स के चार्ट पे देखेंगे तो इस टाइप से पूरा का पूरा चार्ट पैटर्न आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जो क्लोजिंग है अगर 2 आवर्स के चार्ट पैटर्न पे देखेंगे तो इसके नीचे ही आती हुई नज़र आ रही है। अगर स्टॉक ने कल भी इसके नीचे की क्लोजिंग दी तो स्टॉक जो है बिल्कुल 65-66 के लेवल आने वाले टाइम में दिखाता हुआ नजर आएगा। ऊपर के लेवल के लिए इसके ऊपर की क्लोजिंग देना काफ़ी ज़रूरी है, तभी स्टॉक जो है अगेन ऊपर के इस लेवल तक जाता हुआ नजर आएगा। जो पहले सपोर्ट जोन था विकर जोन की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले इसे 79 से ऊपर की क्लोजिंग देना काफ़ी ज़रूरी है। अगर स्टॉक 79 के ऊपर की क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तभी स्टॉक जो है 90 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो 79 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन इस टाइम बना हुआ है और ये लाइन जो है एक अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर इसको ब्रेक करता है तो स्टॉक 65-66 के लेवल भी दिखाता हुआ नजर आएगा। अगर 79 को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो स्टॉक 89-90 तक भी पहुँचता हुआ नजर आएगा। लाइफ टाइम हाई के लिए स्टॉक को काफ़ी अभी रेजिस्टेंस जोन क्रॉस करने पड़ेंगे, जो अभी इतना आसान नहीं है। अगर हम बात करें वीकली चार्ट के ऊपर तो वीकली चार्ट के ऊपर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको देखिए इस टाइप से दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप मल्टीपल टाइम देखेंगे कि इसने इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया है, अभी इस लाइन के ऊपर काम कर रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के तो और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात करें RSI की तो 48.39 की RSI है वीकली बेस के ऊपर, जो कि वीक स्ट्रक्चर को शो कर रही है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा अब वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप बिल्कुल स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर काम कीजिए, क्योंकि स्टॉक अगर इसने सपोर्ट जोन को तोड़ा तो यहाँ से स्टॉक जो है काफ़ी वीक होता हुआ नज़र आएगा। तो इन ट्रेंड लाइन्स को जरूर ड्रॉ करके रखिए अगर आप इसमें किसी भी टाइप की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर लेवल्स को नोट करके रखिए, तभी आप इसके अंदर पैसा बना पाएंगे, अदरवाइज आप इसमें फंसते हुए नजर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।